नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनी प्लांट की ग्रोथ। हम छोटे से प्लांटर्स में भी कितना अच्छा उसको ग्रोथ कर सकते हैं, उसको गुशी कर सकते हैं, ग्रीन हो सकता है वो। तो उसके लिए सबसे पहली बात, देखिए प्लांटर कितना छोटा सा है, मेरी उंगलियों के ही बराबर है ये, देखो पूरे हाथ के बराबर भी नहीं है, 4-5 इंच का ही है। और उसके अंदर देखो कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ आई हुई है। तो इसको मैंने जब पहले अंदर रखा था तब इसकी अच्छी ग्रोथ नहीं थी, अंदर मतलब डार्क में। तो सबसे पहली इसकी रिक्वायरमेंट होती है इसकी सनलाइट जो है डायरेक्ट नहीं आए, लेकिन ब्राइट सनलाइट मतलब अच्छी लाइट आए इसको, तो उसमें ये अच्छा ग्रोथ करता है। और इसकी खाद के लिए इसको पहली बार जब मिट्टी बनाते हैं, वो मिट्टी आपको पता ही है कैसे बनानी है, बर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और नॉर्मल मिट्टी मिला के तीनों का रेशियो लगभग बराबर हो। तो उसके अलावा इसमें मेन चीज़ है कि मैं इसमें क्या करती हूँ, राइस वाटर जो होता है वीकली या फिर 15 दिन में राइस वाटर का इसमें खाद दे देती हूँ। देखो ये मनी प्लांट भी मेरे काफ़ी अच्छे हुए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक तो मॉस्टिक बहुत ज़रूरी है, छोटी मॉस्ट, छोटा जैसे प्लांटर है तो उसमें छोटी मॉस्टिक लगा दीजिए जिसके सहारे से वो आगे बढ़ जाए। इसमें भी लगी हुई है देखिए। और मॉस्टिक लगाने के बाद इसको आप, इसकी जो सूखी पत्तियाँ हैं उनको आप हटाते जाइए बस, और कुछ दिक्कत नहीं है इसको। और आपका इसका प्रॉपर पानी देते रहिए, इसमें पानी की बहुत ज़रूरत होती है। और इसको पानी से स्प्रे ज़रूर करिए, इसमें जो गंदगी होती है वो जमा ना हो और ना ही कोई जाला लगे, बस।